हाय दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत है मेरा नाम अजहर है आज के इस वीडियो में हम एक नए माइक्रोव सीरीज़ की शुरुआत करेंगे जो कि है रासबेरी पाई पिको इस वीडियो सीरीज़ में हम ये सीखेंगे कि आप राजबेरी पाई पिको को एज एन इनपुट डिवाइस एज एन आउटपुट डिवाइस कैसे इंटरफेस कर सकते हैं सो so बेसिकली इस वीडियो सीरीज़ का गोल रहेगा कि आप रासबेरी पाई पिको को कम्फर्टेबली यूज़ कर सके अपने प्रोजेक्ट्स में और शेयर करिए अपने आइडियाज कम्युनिटी के साथ तो चलिए शुरू करते हैं रासबेरी पाई को रासबेरी पाई ऑर्गेनाइजेशन का पहला माइक्रो कंट्रोलर है हमें ये याद रखना चाहिए कि रासबेरी पाई को एक माइक्रो कंट्रोलर है ना कि एक फुल फ्लेश कंप्यूटर ये रासबेरी पाई से अलग है क्योंकि आप रासबेरी पाई में लिनिक्स इंस्टॉल कर सकते हैं उसमें आप काफ़ी सारे अप्लीकेशनस को रन कर सकते हैं सैम्टेनस की बट रासबेरी पाइपी को एक सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर है तो चलिए उसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं रासबेरी पाई आर पी टू जीरो फोर जीरो माइक्रो कंट्रोलर चिप को यूज़ करता है जो कि एक ड्यूल कोर आर्म आमकोटेक्स प्रोसेसर है बाई डिफ़ॉल्ट ये 125 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है बट आप उसको 133 मेगाहर्ट्ज़ तक भी ओवरक्लॉक कर सकते हैं इस माइक्रो कंट्रोलर चिप के अंदर आपको 256 केबी की ऑन चिप एस रैम है और साथ ही साथ टू मेगाबाइट्स की ऑन बोर्ड के फ्लैश चिप भी आपको मिल जाएगी राजबेरी पैम में टोटल फोर्टी जी पी पिन है जिसमें कि आप ट्वेंटी सिक्स पिन को मल्टी फंक्शनल पिन मिलते हैं जिसमें से तीन ट्वेल्व बीट रेजोल्यूशन के ए हैं दो सीरियल पोर्ट्स हैं दो एस पी आई कंट्रोलर्स दो आई टी सी कंट्रोलर्स एंड सोलर पी डब्ल्यू एम चैनल्स भी मिल जाएंगे इस वीडियो सीरीज़ में आगे हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में सीखेंगे और एक और जो यूनिक चीज़ आपको राजबेरी पापे को मिलती है वो है सपोर्ट फॉर यू एस बी वन डॉट वन सो बेसिकली आप अपने माइक्रो कंट्रोलर को यू एस बी वन डॉट वन एमिनेट कर सकते हैं सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने माइक्रो कंट्रोलर को एज अ की बोर्ड या फिर एज अ माउस या फिर बेसिकली कोई भी एच आई डी डिवाइस की तरह यूज़ कर सकते हैं इसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जो सपोर्टेड इनपुट वोल्टेज है वो 1.8 से लेके 5.5 बट जो माइक्रो कंट्रोलर है वो एक्चुअली 3.3 पॉइंट वोल्ट पे ऑपरेट होता है आर पी ट्वेंटी फोर चिप में आपको एक इनबिल्ट टेम्परेचर सेंसर भी मिलता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं थ्रू वन ऑफ द ई डी सीज़ रासबेरी पाई पीको में आपको एक ऑनबोर्ड एल डी भी मिलती है जो कनेक्ट होती है जी पी को रास्पबेरी पाई पिको में आप लोग एक चीज़ इमीडिएटली नोटिस करोगे कि जो पिन डायग्राम है वो सिर्फ पीछे प्रिंट किया गया है आगे प्रिंट नहीं किया गया है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक प्रिंट आउट ले लें इस पिन डायग्राम का जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा रास्पबेरी पाई की तरह पिको में एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता फिर भी आप इस माइक्रो कंटोलर को सी सी प्लस प्लस या फिर माइक्रोपैथान uh, में कोट कर सकते हैं इस वीडियो में मैं यूज़ करूँगा माइक्रोपैथन क्योंकि वो समझने में आसान होती है और मैं कोशिश करूँगा कि एंड ऑफ द वीडियो सीरीज़ में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ कि अगर आप सी में कोड करना चाहते हैं रासबेरी पाइपी को तो आपको सेटअप कैसे करना है माइक्रो पाइथन एक फुल इंप्लीमेंटेशन है पाइथन थ्री का जिसको ऑप्टिमाइज़ किया गया है रन करने के लिए एम्बेड सिस्टम्स में जैसे कि ई एस पी एट टू सिक्स सिक्स ई एस पी थर्टी टू इवन रासबेरी पाइपी को पाइथन का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि आप कोड को बिना माइक्रो माइक्रोकैटोल में स्टोर किए आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं बेसिकली जब आप यूज़ करोगे माइक्रो पाइथन अपने माइक्रो कंट्रोलर के लिए तो आपको एक इंटरेक्टिव सेशन मिल जाता है जिसको हम कहते हैं रिपल बेसिकली uh, एक इंटरप्रेटर की तरह होता है आपकी पाइथन में जिसके थ्रू आप कमांड्स को रन टाइम में एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड इसका रिजल्ट आपको इमीडिएटली दिख जाएगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट माइक्रो पाइथन आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो जैसे कि मैक विंडोज लिनक्स तो चलिए इंस्टॉल करते हैं माइक्रो पाइथन अपने माइक्रो कंट्रोलर में और अपने लैपटॉप में अगर आपके माइक्रो कंट्रोलर में माइक्रो पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो आप पुट सेलेक्ट बटन को प्रेस कीजिए एंड कनेक्ट कीजिए यूएस केबल अपने लैपटॉप को सो so जैसे ही आप माइक्रो कंट्रोलर को कनेक्ट करोगे अपने लैपटॉप को या फिर पी को वो एक स्टोरेज डिवाइस की तरह डिस्प्ले करेगा आर पी आई आर पी टू अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो ये एक रिमूवेबल डिवाइस की तरह दिखेगा तो आप देख सकते हैं इसमें दो फाइल्स हैं एक तो है इंडेक्स डॉट एच टी एम जो कि आपको बेसिकली पीको के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को रीडायरेक्ट कर देगा एंड दूसरी इसकी टी टी फाइल है तो चलिए पहली फाइल को खोलते हैं एंड राजर पाई के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए सो so ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन uh, हैं जैसे कि आप जैसे कि अगर आप माइक्रो पाइथन यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस स्टाइल पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप सी सी प्लस प्लस यूज़ करेंगे कोडिंग के लिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं एंड uh, किसी भी तरह के क्वेश्चन या फिर किसी भी तरह के डॉक्यूमेंटेशन uh, के लिए आप इस स्टाइल पर क्लिक कर सकते हैं तो चलिए क्लिक करते हैं माइक्रो पाइथन पर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि आप अपने माइक्रो कंट्रोलर में माइक्रोपैथन की फाइल को लोड करें दो तरह की फाइल्स हैं पाई पाइपी को पाई पाइपी को डब्ल्यू अगर आप रासबेरी पाइपी को डब्ल्यू बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस फाइल को डाउनलोड करना होगा एंड अगर आप रासबेरी पाइप पी को यूज़ हो तो आप इस यू एफ़ टू फाइल को डाउनलोड करना होगा क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ रासबेरी पाइपी को तो मैं इस यू एफ़ टू फाइल को डाउनलोड करता हूँ सो ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है एंड नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि हमको उस फाइल को कॉपी करना होगा इस स्टोरेज uh, डिवाइस में ओके okay, तो जब मैं इस फ़ाइल को कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ मेरी मैकबुक से आ, अपनी रासबेरी पाई में सॉरी रासबेरी पाई पिको में आ, मुझे एरर आ रहा है Uh, कुछ बग है मैकोस uh, में जो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने नहीं दे रहा सो so, इसीलिए मैं इस फ़ाइल को करता हूँ डिलीट uh, मैंने ये देखा कि ये स्टिल काम करेगा अगर आप कमांड लाइन यूटिलिटी यूज़ करोगे करूँगा ये कमांड सो बेसिकली सी पी स्पेस डाउनलोड्स जहाँ पर मेरी यू एफ़ टू फाइल है एंड उसको मैं कॉपी करूँगा अपनी डेस्टिनेशन जो कि है वॉल्यूम्स स्लैश आर पी आई आर पी टू सो so, जैसे ही इस कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा तो रासबेरी पाइपी को रिबूट uh, हो जाएगा अगर वो रिबूट हो रहा है तो ये इंस्टॉल हो चुका है तो चलिए देखते हैं बट एट द सेम टाइम रासबेरी पाइपी को रिबूट हो चुका है तो आई गेस uh, ये यू एफ़ टू फाइल हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दी है पिको में बट uh, अगेन अगर आप कोई विंडोज़ या फिर किसी भी और ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर रहे हो इवन कुछ वर्जनस ऑफ मैक्स तो शायद आपको ये एरर नहीं आएगा बट इन एनी केस आई थिंक हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर ली है हमारी यू एफ़ टू फाइल को पिको में तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड इंस्टॉल करते हैं थोनी थॉनी बेसिकली एक आईडी है जिसके थ्रू आप अपना कोड को रन कर सकते हैं अपने माइक्रो कंट्रोलर में और साथ ही साथ आप माइक्रो कंट्रोलर का जो शेल होता है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं उसका शेल एक्जैक्टली नहीं बोल सकते वो बेसिकली एक रिपल है जिसके थ्रू आप कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो विदाउट स्टोरिंग इन द माइक्रो कंट्रोलर सर्च कर सकते हैं थोनी एंड जो फर्स्ट लिंक आएगा आप उस पर जाइए एंड आपको बेसिकली डाउनलोड करना पड़ेगा इंस्टॉलर अपनी रिस्पेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए Uh, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ मैक तो मैं डाउनलोड करूँगा इंस्टॉलर विद थ्री डॉट वन जीरो ओके तो थोनी डाउनलोड uh, हो चुका है तो चलिए उसको इंस्टॉल करते हैं ओके okay, तो हमने थोनी इंस्टॉल कर लिया है एंड ये कुछ ऐसा देखता है बहुत ही सिंपल आईडी है यहाँ पे आप अपना कोड लिख सकते हो और जैसे आप इसको रन करोगे तो वो एग्जीक्यूट होगा आपके कंट्रोलर में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो बॉटम है आई uh, डी का यहाँ पे आप कमांड्स को लाइव इंट्रैक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हो क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है तो आप बेसिकली कंपाइल uh, नहीं करना पड़ेगा आपको कोड को उसको एग्जीक्यूट करने से पहले सो so, यहाँ पे आप अपनी कमांड को लिखोगे एंड जब उसको आप एग्जीक्यूट करोगे जस्ट लाइक एनी नॉर्मल पाइथन कोड वो बेसिकली एग्जीक्यूट होगा आपके माइक्रो कंट्रोल में एंड उसके रिजल्ट्स हो गए यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे तो चलिए देखते हैं सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो भी इंटरप्रेटर सेलेक्ट किया है वो है लोकल पाइथन थ्री उसको आपको चेंज करना पड़ेगा आपकी जो बोर्ड है सो so, मैं यहाँ पे रासबेरी पाइपिको Pi को सेलेक्ट कर रहा हूँ ओके सो आप देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रो पाइथन पे लोड हो चुका है माइक्रो पाइथन वर्जन 1.91 एंड जो माइक्रो कंट्रोलर है वो है रासबेरी पाइपिको विथ आर पी जो फर्स्ट थिंग हम ट्राई करेंगे वो रहेगी इस एल को ऑन करना जो कि माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड पे ऑलरेडी अवेलेबल uh, होती है सो so, ये एल कनेक्ट होती है आपके माइक्रो कंट्रोलर के पिन नंबर ट्वेंटी फाइव को सो so, uh, जैसे आप पिन नंबर ट्वेंटी फाइव को हाई सेट करोगे तो ये एल ऑन हो जाएगी एंड जैसे आप उसको लो सेट करोगे वो एल ऑफ हो जाएगी uh, तो इसके लिए आपको बेसिकली तीन लाइन का कोड लिखना पड़ेगा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इम्पोर्ट करेंगे एक मॉड्यूल को जिसका नाम है पिन एंड वो आता है मशीन से सो फ्रॉम मशीन इम्पोर्ट पिन तो जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा पिन मॉड्यूल लोड हो चुका है तो चलिए अब डिफाइन करते हैं एक वेरिएबल जिसमें हम हमारे एलईडी को असाइन करेंगे सो लेट्स कॉल इट एलईडी इज़ इक्वल टू पिन ऑफ पिन ऑफ 25 फाइव तो इसलिए हमारे जो पिन नंबर है वो 25 है एंड हम आल्सो ये भी डिफाइन करेंगे कि ये पिन आउटपुट रहेगी या इनपुट रहेगी क्योंकि हम एल को ड्राइव कर रहे हैं तो हम इसको सेट करेंगे आउट पिन डॉट आउट एक लाइन इंडिकेट करती है कि हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे एल ई एंड उसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी बेसिकली पिन नंबर फाइव एंड वो पिन को हम सेट कर रहे हैं आउटपुट के लिए क्योंकि हम एल को ड्राइव करेंगे तो पिन का आउटपुट सेट करना ज़रूरी है ओके okay, सो so ये रही हमारी एल uh, ई की डेफिनेशन एंड इसके वो कहते हैं एग्जीक्यूट को एल डॉट हाई फंक्शन को कॉल करना होगा uh, जैसे आप इस फंक्शन uh, को कॉल करोगे आप देख सकते हैं यहाँ की जो एल है वो ऑन होनी चाहिए एंड uh, अगर आपको उसको ऑफ करना है तो आप एल ई डी डॉट लो फंक्शन को कॉल करोगे एंड ये एल ई डी ऑफ हो चुकी है तो आप इस शेल के थ्रू अपने माइक्रो कंट्रोलर से इंटरेक्ट कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग और मेकिंग एनी फाइल्स बट इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आप अपने माइक्रो कंट्रोलर को डिसकनेक्ट uh, करोगे अपनी यू एस बी केबल से एंड फिर से आप इसको रिकनेक्ट करोगे तो आप देख सकते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है तो हो रहा है क्योंकि हमने कोड को रिपिल uh, के थ्रू एग्जीक्यूट किया है हमने इसलिए रन टाइम एग्जीक्यूशन किया है उसको स्टोर नहीं किया है अगर आप चाहते हैं कि एक पीस ऑफ कोड कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट हो आपके माइक्रोकल में तो उसके लिए आपको फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी तो चलिए सेम कोड लिखते हैं यहाँ पर सो फ्रॉम मशीन इम्पोर्ट पिन पिन के साथ साथ मैं एक और चीज़ इम्पोर्ट करूँगा वो होगी यू टाइम यू टाइम बेसिकली हम यूज़ करेंगे uh, एक एक्शंस के बीच में डिले के लिए एंड यहाँ पे हम हमारी एलईडी को डिफाइन करेंगे सो बेसिकली होगी एल इज इक्वल टू पिन ऑफ सेम थिंग ट्वेंटी फाइव पिन डॉट आउट और ये रहेगा कैपिटल में आई थिंक ओके सो ये बेसिकली हमारे एल की डेफिनेशन होगी uh, एक और चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वेरिएबल uh, वो होगा डिले डिले इज इक्वल टू वन सेकेंड सो uh, so, मैं चाहता हूँ कि हमारी एल ई डी करे ऑन ऑफ विद डिले ऑफ वन सेकेंड क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट हो उसके लिए हमको वायल लूप यूज़ करनी पड़ेगी वायल ट्रू ये लूप कभी इन नहीं होगी यहाँ पे आप जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे वो पोपचुअली रन होती रहेंगी सो फर्स्ट थिंग हम जो करेंगे वो होगी हमारी एल ई डॉट हाई सो हम हमारी एल ई डी को करेंगे ऑन एंड देन हम करेंगे डिले यू टाइम डॉट स्लीप एंड पास करेंगे उसमें डिले को ये लाइन आपकी जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको एक सेकेंड के लिए उसको स्लीप मोड में डालते सो so, वो एल ई डी को ऑन करेगा एक सेकेंड के लिए वो कुछ नहीं करेगा एंड देन हम करेंगे एल ई डी को ऑफ दोनों लाइन्स को कॉपी करता हूँ क्योंकि हमको सिर्फ एक चीज चेंज करनी है इसमें ओके सो एल डॉट हाई सो एल ऑन रहेगी फिर ये एक सेकेंड के लिए कुछ नहीं करेगा एंड देन एल ऑफ हो जाएगी फिर एक सेकेंड के लिए हम वेट करेंगे एंड ये बैक जाएगा इस जगह पे सो so बेसिकली ये एक कोड जो है ये हमेशा के लिए रन होता रहेगा ओके okay, तो चलिए इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं ओके okay, सो so जैसे कि आप देख सकते हैं एल ऑन हो रही है अगेन एक सेकेंड का डिले है फिर एल ऑफ हो जाएगी एंड देन ये कंटिन्यूसली साइकिल चलता रहेगा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर मैं अपने माइक्रो कंट्रोलर को डिसकनेक्ट करूँ यहाँ से तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा उसकी वजह यह है कि जब आप स्क्रिप्ट को रन करोगे इस पाइथन uh, के थ्रू लोड होंगी आपके माइक्रो कंट्रोलर में बट वो स्टोर नहीं होंगी अगर आपको एक प्रोग्राम को लिख के उसमें स्टोर करना है आपकी माइक्रो कंट्रोलर में तो उसके लिए आपको उसको एज अ फाइल सेव करना पड़ेगा तो चलिए पहले सेव करते हैं एंड यहाँ पे आपको दो ऑप्शन हैं या फिर आप इसको अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं या फिर आप इसको पाई पी को में सेव कर सकते हैं मैं कैसे ले करूँगा पाई पी को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो आपका फाइल का नेम होगा वो होगा मेन डॉट पी वाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी और नाम से फाइल को सेव करोगे तो ये शायद काम नहीं करेगी तो हम अपने फाइल को सेव करेंगे मेन डॉट पी वाई माइक्रो कंट्रोलर को रिस्टार्ट uh, uh, करना पड़ेगा तो मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ अपना यू एस पी केबल एंड मैं उसको फिर से कनेक्ट करता हूँ यहाँ पर तो एल ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होना शुरू हो चुकी है तो इसका मतलब ये है कि जब आपको किसी कोड को पर्पचुअली रन करना है अपने माइक्रो कंट्रोलर में विदाउट यूजिंग लैपटॉप तो आपको अपने कोड को मेन डॉट पाइस फाइल में सेव करना होगा एंड उसको स्टोर करना होगा अपने अपनी पाई uh, पाइपो में तो इस वीडियो में हमने राजबेरी uh, पाई का बेसिक इंट्रोडक्शन और उसका सेटअप कम्प्लीट कर दिया है अगले वीडियो में हम बेसिक इनपुट आउटपुट जैसे कि स्विच इंटरफेस एंड आउटपुट एलईडी इंटरफेस को कैसे करना है उसके बारे में जानेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ आई एल सी यू इन द नेक्स्ट वन